नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, धर्मिस केक एंड बेक में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग और अमेजिंग फ्लेवर के साथ लंच बॉक्स केक बनाने वाले हैं, जिसका फ्लेवर हम कश्मीरी गुलाब फ्लेवर बनाने वाले हैं, जो टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना लंच बॉक्स केक। तो सबसे पहले लंच बॉक्स केक के लिए मोस्टली मिनी केक टिन्स का यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ 4 इंच का केक टिन ले लिया है, जिसको हम ओडी इकोबेक पेपर से कवर कर लेंगे। ओडी इकोबेक पेपर से हमारा केक आसानी से अनमोल्ड हो जाता है और हमें टिन को ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम इस तरह से ओडी इकोबेक पेपर केक टिन पर लगा देंगे। अब हम बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ सिंपल वेनिला प्रीमिक्स लिया है। मैंने 80 ग्राम्स ऑफ वेनिला प्रीमिक्स ले लिया है, जिसमें हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बैटर को अच्छे से मिक्स करना होगा ताकि एक भी लम्स ना रहे। अब हम केक बैटर को टिन में डाल देंगे। अब हम इस टिन को प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए बेकिंग मोड पे, यानी लोअर रैक पे रखेंगे और अच्छे से बेक कर लेंगे। अब हमारा स्पॉन्ज एकदम अच्छे से बेक हो गया है। हम स्टिक डालकर भी चेक कर लेंगे। हमारी स्टिक साफ निकली है, मतलब हमारा स्पॉन्ज अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इस स्पॉन्ज को 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ लंच बॉक्स के लिए इस तरह का लंच बॉक्स लिया है, जो हमको आसानी से जहाँ केक मटेरियल मिलता हो वहाँ मिलता है। मुझे ये लंच बॉक्स 20 रुपीज़ में मिला है। ये मीडियम साइज़ का लंच बॉक्स है। लंच बॉक्स केक एकदम हैंडी होता है, ताकि हम आसानी से जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो वहाँ ले जा सके, बस लंच बॉक्स की तरह। तो मैंने यहाँ अप्रॉक्सीमेटली लंच बॉक्स के साइज़ का ओडी इकोबेक पेपर कट कर लिया है, जिस पर हम केक रखेंगे और ओडी इकोबेक पेपर के साथ ही हम केक को लंच बॉक्स में रख देंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ी प्रिपरेशन कर ली है। अब हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। अब हम केक को अनमोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, केक हमारा एकदम आसानी से अनमोल्ड हो चुका है। अब हम केक को 2 लेयर्स में कट कर लेंगे। अब हम केक को अच्छे से सोक कर लेंगे। अब मैं यहाँ कश्मीरी गुलाब फ्लेवर बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये रोज सिरप यूज़ किया है। आप कोई भी ब्रांड का रोज सिरप यूज़ कर सकते हो। 1-2 ड्रॉप्स स्पॉन्ज पर ऐड कर लेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। अब हम व्हिप क्रीम ऐड करेंगे, स्पैचुला से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम 1 टीस्पून जितना रोज शरबत ऐड करेंगे, ताकि हमारा फ्लेवर और भी अच्छा हो। अब हम यहाँ बीच में ट्रूटी फ्रूटीज, चेरीज, व्हाइट चॉकलेट चिप्स, वो सब भी ऐड कर सकते हैं। अब हम सेकेंड लेयर भी रख देंगे और जो गैप्स है उसको अच्छे से फिल करेंगे, ताकि हमारा केक एकदम स्ट्रेट बने। अब हम सेकेंड लेयर को भी अच्छे से सोक कर लेंगे। 1-2 ड्रॉप्स रोज सिरप के ऐड करेंगे और अच्छे से फैला देंगे और हम पूरी केक की क्रम कोटिंग कर लेंगे। अब हमारी केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब मैंने यहाँ थोड़ी सी व्हिप क्रीम ले ली है, जिसमें मैंने 2 ड्रॉप्स येल्लो कलर के ऐड कर लिए है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी केक भी अच्छे से सेट हो गई है। उसको भी मैं यहाँ ओडी इकोबेक पेपर पर शिफ्ट कर दूंगी और हम पूरी केक को इस येल्लो क्रीम से कवर कर लेंगे। इस तरह से स्क्रेपर से फिनिशिंग भी कर लेंगे। हम जितनी हो सके उतनी फिनिशिंग करने की कोशिश करेंगे। अब हमारी
हमारी केक रेडी हो चुकी है। 5 नंबर का ओपन स्टार नोजल ले लिया है जो हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे। उस पे मैंने यहाँ थोड़ी सी क्रीम ले ली है जिसमें हम 2 ड्रॉप्स पिंक कलर के ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस तरह से केक पर छोटे छोटे रोजेस पाइप आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, लंच बॉक्स केक मोस्टली सिंपल होती है, नीचे डिजाइन नहीं होती, सिर्फ ऊपर ही डिजाइन होती है और बहुत ही सिंपल डिजाइन होती है, तो हम भी आज सिंपल डिजाइन ही करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दिख रही है ना हमारी केक एकदम ही ब्यूटीफुल। बस ये सिंपल डिजाइन से हम हमारी केक को बहुत ही सिंपल और एलिगेंट बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ इस तरह से रोजेस पाइप आउट कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ इस तरह से सिंपल पर्ल्स ले लिए हैं जो मैं केक पर ऐड करूंगी ताकि हमारी केक और भी बहुत ब्यूटीफुल और सिंपल लगे। लंच बॉक्स केक्स जनरली वेट में 250 ग्राम्स टू 300 ग्राम्स होती है, तो आप इसकी प्राइस 250 टू 300 रख सकते हो। बस हमारी इस तरह की लंच बॉक्स केक रेडी हो चुकी है। अब हम इस केक को लंच बॉक्स में प्लेस कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें प्लेस करते वक्त ध्यान रखना होगा, बहुत ही हम आराम से रख देंगे। अब हम देख सकते हैं कि थोड़ा पेपर बाहर निकल रहा है, तो हम कैची से इसे कट कर लेंगे। और ये केक्स बनाना बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये साइज में भी छोटी रहती है और फटाफट भी बन जाती है और बहुत ही क्यूट लगती है। बहुत ही सिंपल बट एलिगेंट लंच बॉक्स केक रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लव्ड वंस को जरूर गिफ्ट कीजिएगा। और हाँ, ये फ्लेवर भी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग लगता है। और अगर आपको ये केक और ये फ्लेवर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आपको ये केक डिजाइन कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई केक रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए केक्स बनाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।